मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के यशस्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राज्यसभा सांसद व संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी कल दिनांक 31 मार्च को जयपुर महावीर स्कूल में ओबीसी सम्मेलन में पधार रहे हैं। ये ओबीसी सम्मेलन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और उसमें हमारे ओबीसी समाज के सभी सामाजिक बंधु उसमें पधारेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में ये हम मैसेज देना चाहेंगे कि राजस्थान में ओबीसी मोर्चे का जो ये कार्यक्रम सामाजिक सम्मेलन का था वो 5 मार्च से शुरू हुआ और 31 मार्च को कल इसका विधिवत हम समापन करेंगे। इस कार्यक्रम में सामाजिक सम्मेलन में हमें टारगेट दिया हुआ था कि प्रत्येक विधानसभा में 3-3 ओबीसी समाज के सम्मेलन करने हैं। उसके तहत प्रत्येक लोकसभा में 20 ये ओबीसी समाज की मीटिंगें करनी थी, छोटी छोटी मीटिंगें, तो लगभग हमने करीब करीब इनको कंप्लीट किया है और लगभग 400 से ज़्यादा सम्मेलन हमारे ओबीसी के हो चुके हैं। 500 का टारगेट था, 400 से ज़्यादा सम्मेलन हम कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में भी हमारा ये कार्यक्रम चलता रहा। कल दिनांक को ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं 31 तारीख को महावीर स्कूल में, उसमें हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, उसमें हमारे मीडिया के और सोशल मीडिया के प्रभारी भी रहेंगे, सभी पदाधिकारी रहेंगे, हमारे सभी राजस्थान के जिलाध्यक्ष और महामंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे और ओबीसी मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस मीटिंग में कल उपस्थित रहेंगे। इस मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उपस्थित हो ही रहे हैं, इसके अलावा हमारे माननीय यशस्व प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी भी रहेंगे और उप मुख्यमंत्री बेरवा जी भी रहेंगे, हमारे 3-4 कैबिनेट के मंत्री राजस्थान सरकार के वो भी रहने वाले हैं उपस्थित इसमें। इसलिए बहुत ही अच्छा और गरिमामय कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले ही जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की उसके लिए हमारे सामाजिक बंधु सामाजिक ओबीसी समाज के बंधुओं को बहुत फायदा मिला है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में 3 राज्यों में ओबीसी के मुख्यमंत्री बना करके और एक मिसाल कायम की है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ओबीसी समाज के उत्थान के लिए आप लोगों ने बहुत ही शानदार और अच्छा मैसेज देने का काम किया है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में और पूरे भारत में, निश्चित रूप से हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और भारतवर्ष में जो मोदी जी का नारा है अब के बार 400 पार, निश्चित रूप से हम 400 पार करने का प्रयत्न करेंगे। ओबीसी समाज पूरा तत्पर है और अपने अपने चुनाव में लगे हुए हैं। 31 तारीख के बाद, इस कार्यक्रम के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता जो है इस चुनाव में जुड़ जाएंगे और निश्चित रूप से हम आश्वस्त करते हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी को और पूरे नेतृत्व को कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लग करके और हम राजस्थान में एक अच्छा कमल खिलाएंगे, 25 के 25 कमल खिला करके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे, जिसमें राजस्थान की भागीदारी सबसे बड़ी संख्या में होगी। आप सब लोग बता रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ और हमारे सभी मंचा सिंह जो महामंत्री हैं, हमारे सुनील यादव जी हैं, महेंद्र जी पवार हैं, सुनील जी हमारे जो मार्गदर्शक हैं कुमाऊं, सुनील यादव जी हैं, हमारे मैसूर सोनी जी हैं, इधर रामेश्वर जी हैं, सुनीता जी भी आ गए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन पूरी टीम ने लग करके और ये ओबीसी का जो कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से बहुत ही शानदार कार्यक्रम करा है कि देखिए 100% में से 75-80% का काम हम पूरा कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे ओबीसी समाज के लिए। मैं बहुत ही
हमारे जो कार्यकर्ताओं को और हमारे सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और मीडिया कर्मियों को जो आप आज पधारे हैं इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।